यमुनानगर में आज मंडियों के दौरे पर अंबाला रेंज के एडीजीपी पहुंचे। यहां उन्होंने मंडी का जायजा लेने के बाद मंडी में आने वाली सरसों और गेहूं को लेकर आपस में डिस्टेंस बनाकर रखने की बात कही। हालांकि एडीजीपी ने मंडी के साथ साथ ममेती गांव का भी दौरा किया। यहां पर उन्होंने पुलिस के पुख्ता बंदोबस्त किए और कहा कि इस इलाके में 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। फिलहाल इन इलाकों पर अब पुलिस की पैनी नजर है। ममीदी में और सादीपुर में कंटेनमेंट जोन्स वहाँ बनाए गए हैं, जहाँ कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए उसको कंटेनमेंट जोन बनाया गया है और उसको चारों तरफ से सील किया गया नाके लगा के। उसमें कोई परमिटेड नहीं है कि कोई बाहर से जा सके या कोई अंदर से बाहर आ सके। उसके लिए एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, कंट्रोल रूम प्रशासन की तरफ से बनाया गया है। उस कंट्रोल रूम पर अगर वो फ़ोन करते हैं तो उनको जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, जो सब्जी है, दूध है, कोई कैटल फॉडर है, कोई मेडिसिन है, दैट विल बी प्रोवाइडेड बाई एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसको वही चेक करने के लिए और बाकी सारी चीज़ें देखने के लिए आए थे। यहाँ अनाज मंडी आना आवश्यक था क्योंकि अब परचेजिंग सेंटर काफ़ी बनाए गए हैं और गेहूँ की परचेज शुरू होगी 20 तारीख को, तो उसकी व्यवस्था की समीक्षा करने आए थे। सर, ममेदी की आप बात कर रहे हैं, वहाँ भले ही सेंटर बनाया हो लेकिन अंदर लोग काफ़ी जो हैं दिक्कत में हैं, उनके लिए क्या सुविधाएँ दी जा रही है? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो यह कि जब आप किसी को किसी एरिया में रिस्ट्रिक्ट कर दीजिएगा तो थोड़ी दिक्कतें उनके सामने अपने आप भी आ जाती हैं। दूसरी चीज़ है कि उसको दिक्कत का के समाधान के लिए ऑलरेडी एक नंबर दिया गया है, वो प्रशासन की तरफ से नंबर दिया गया है और वो कंट्रोल रूम भी प्रशासन की तरफ से चल रहा है। और हमारे DGP हरियाणा के आदेश के हिसाब से वहाँ पर एक हमारी पुलिस की तरफ से एक कमांडर भी लग रखा है, जो कमांडर ऑफ द जोन है। तो हमने सारे नंबर दे रखे हैं, अगर किसी को किसी चीज़ की कमी होती है उस नंबर पे वो कांटेक्ट करता है और हमें उसको सारी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। सर, ममेदी में 2 कोरोना पेशेंट मिले थे जो कि अब जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव है, लेकिन अंदर जो एक समुदाय के लोग हैं वो एक वायरल कर रहे थे, कहता DP लग रही थी कि हम जो निजामुद्दीन मरकज के साथ हैं। देखिए, इस तरह की अभी तक कोई बात नहीं है। किसी भी तरीके से इस स्थिति को कम्युनल फ्लेयर अप कभी भी नहीं करना चाहिए, ना उसको सांप्रदायिक रंग देना चाहिए। अगर कोई असामाजिक तत्व ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करेंगे। कोई अगर सोशल मीडिया पे भी करता है और हमारी नोटिस में आता है तो पुलिस अधीक्षक यमुनानगर यहाँ पे हैं, उपस्थित हैं और उनके विरुद्ध हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। पर कड़ी कार्रवाई होगी और उसमें त्वरित कार्रवाई होगी। सर, अभी तक कितने मामले दर्ज किए हैं जो ऐसी गतिविधियों में शामिल? कॉम्युनल फ्लेयर अप के पूरे हरियाणा में कई मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन हमने मामले तभी दर्ज किए हैं जब हमने उसको वेरीफाई कर लिया है। और अगर इस तरह का कोई, जिस तरह की बात आप कह रहे हैं, अगर इस तरह कोई भी चीज़ हमारे नोटिस में आती है तो ड्यू इंक्वायरी के बाद उसमें कानूनी कार्रवाई की जाती है। जो अभी बात चल रही थी उसमें टोटल 42 लोग ऐसे थे जो उनके कॉन्टेक्ट में आए थे और जिनके सैंपल लिए गए हैं, उसमें कुछ के निगेटिव भी आए हैं। तो ऐसा नहीं है, सबको क्वारंटाइन किया गया है। जो लोग जिसके टच में आ रहे हैं, कांटेक्ट में आ रहे हैं, उनको अलग रखा जा रहा है।